यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो एक तरफ जहां कैबिनेट मंत्री रामबिलास शर्मा ने खेतों का जायजा लेकर 7 दिनों के अंदर स्पेशल गिरदावरी के आदेश दिए, तो वहीं दूसरी तरफ गुरुग्राम में परेशान किसानों से सरकार के मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि बारिश की वजह से सरसों, गेहूं और सब्जी की तैयार फसल बर्बाद हो गई, जिसके बाद किसानों ने पंचायत की और सरकार की मदद की गुहार लगाई है। किसानों का कहना है कि उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है और ऐसे में सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। तो गुरुग्राम के किसान भी बदलते मौसम के इस रुख से परेशान हैं और किसानों को भारी नुकसान इस मौसम के कारण झेलना पड़ा। अब ऐसे में किसानों ने पंचायत बुलाई और सरकार से गुहार लगाई है। ये पहली बार देखे है हमने और इतना भारी नुकसान है। 5 या 10% ही गेहूं या सरसों की लावनी करनी पड़ेगी, नहीं करनी नहीं पड़ेगी। कॉलेज में तो बिल्कुल ही छपा है, बिल्कुल पेड़ कटे हुए हैं। कोई भी जितने भी कॉलेज है, कॉलेज में 2-2 लाख रुपया का खर्चा लगाया है कि मैं लोग बागान है और उसमें बहुत भारी नुकसान है। एक पेड़ भी नहीं बचा है। खीरा, काकड़ी, टमाटर जो भी है, गोभी है, सब कटे पड़ी है। पंचायत वालों भाई पर लिया हुआ है, उसमें 6 लाख का टोली है जिसमें भारी नुकसान होने की वजह से सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। पूरा खर्चा लगा चुके हैं, अब रोटी खाने का भी लाले पड़ रहे हैं। कहाँ से खर्चा लें, कहाँ से क्या करना है। ये सरकार की गुजारिश है, सरकार से हमारी तरफ से कुछ राहत दी जाए।